यो व्हाट्स अप गाइस, साहिल आर्ट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं घर में सजाने के लिए एक मज़ेदार चीज़। भाई हमें भाई ये बटरफ्लाई की तरह इतने चाहिए भाई, बहुत सारे। तुमने भाई 5 बना लिया है और आप चाहे तो और भी लगा सकते हैं भाई। तो हम कुछ इस तरह का बनाने जाएंगे, तो ऐसे बनेगा भाई। ये कुछ हम ऐसे लगा देंगे, ये हो जाएगा ऐसे। तो भाई मैं कुछ इस डिजाइन का बना रहा हूँ, अब देख लीजिए भाई। अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँगा भाई, तो पहले हमको ये रखना होगा भाई ऐसे। ये सब हटा दो, ऐसे लगाते हैं पहले, जॉइंट करते हैं। इसे भी ऐसे लगाते हैं अब। भाई हिलना मत, खराब मत कर। भाई ये कुछ ऐसा कर दिया मैंने, अब इसके ऊपर भाई इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए भाई हमें 3, 2, 3। सो गाइस मैंने 3 डॉट दे दिए हैं, इसको लगाना स्टार्ट कर देते भाई। भाई ये हमारा हो चुका है एक तरफ से, अब दूसरे साइड से भी लगाते हैं भाई। पहले इस सब को हटा देते हैं। एक भाई सेम यहाँ पर भी 3-3 लगाएंगे, 2-3, 1-2-3 हो गया। तो इसको लगा दिया पहला, ये हमारा दूसरा भी लग गया, ये हो गया हमारा तीसरा। भाई इसको बनाना भाई बहुत आसान है भाई, ये जितना आसान से बन जाता है भाई, और चीज़ बनाने में हार्ड लगता है भाई। तो भाई मैंने ये ग्लू गन से किया था भाई, तो इसको भाई हम इस साइड लगा देते हैं ताकि टांगने के काम आएगा। ये अच्छा से चपक जाना चाहिए, ये कुछ ऐसे टांगने के लिए बन जाएगा। तो ये ऐसा छोटा सा फोटो फ्रेम भी रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ इस साइड भाई आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक तरफ किसी का फोटो हो या कुछ भी। तो भाई ये थोड़ा टेढ़ा लगाना था, मैंने ऐसे लगा दिया। भाई तो यहाँ पे कवर कर दे रहे भाई छोटा लगा के, ताकि ये ना दिखे। भाई ये बन चुका है हमारा, बस इसको भाई हटा देते हैं, क्योंकि भाई इसके वजह से भाई तो प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छा नहीं लगता दिखने। बस ये हमारा बन चुका है, देखिए भाई। भाई इसको बनाना बहुत आसान था, बस इसको हमें टांगने की दे रही है बस। और यहाँ इस साइड में भाई जो खाली साइड है, इसमें आप कुछ और भी लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी का फ़ोटो हो वो सब भाई ऐड कर दे सकते हैं। भाई ये बन चुका है,
तो हमने भाई इसको यहाँ पे टांग दिया भाई, देखिए ब्रेक में टांगने के बाद भाई ऐसा लग रहा है। तो भाई आप इस साइड में कुछ और भी लगा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।